अभी शाम का टाइम हो गया, पूरे दिन से बिजी होने के कारण आज कुछ सुबह शूट नहीं कर पाए, किसी ने भी कुछ भी शूट नहीं किया। तो अभी हमारे मैडम बना रहे हैं चाय, तो कुछ ही देर में चाय रेडी हो जाएगी, तो चाय का आनंद ले जाएगा। चाय का आनंद ले जाएगा। और सुनो, चाय के साथ एक सुरण सुरण के साथ और एक पापड़ भी सेक दो। ना पापड़ हमको चाहिए, मेरे फ्रेंड्स को पता है, मतलब हमारी सब फ्रेंड्स को पता है कि मैं डेली मतलब पापड़ खाता हूँ चाय के साथ में, तो इसलिए मेरे को पापड़ भी चाहिए। ओके। और बाहर बच्चे खेल रहे हैं, आपको बच्चों को भी रूबरू करा देते, काफ़ी टाइम से मतलब मिला है नहीं है। कल डॉगी को कैसे खिला रहा था तू, हैं? और अभी तक इसको बोलना आता है कि नहीं नहीं आ रहा इसको अभी भी नहीं आ रहा? आता है डुगू, कुछ नहीं आता तेरे को बोलना, बोल आ, आ, नहीं ऐसे बोलो, हेलो बोलो, बाय बाय कर दे, बाय बाय कर, बाय बाय कर, मतलब समझता पूरा है लेकिन बोलता नहीं है। तो क्या क्या नाम आता है इसको? बोल माँ, माँ बोल, माँ बोल, तो नहीं बोलेगा ये मतलब बच्चों के साथ तो मतलब आराम से पूरे दिन मतलब टाइम पास हो जाता है ना डोगू, क्योंकि हम शैतानी करते हैं, हमारे पीछे पीछे घूमते रहो, मस्ती करते हैं हम, है ना? यस। कहाँ घूम रहे हो तुम? फाइनली हमारा पापड़ और चाय रेडी हो चुकी है, तो इसका आनंद लिया जाएगा अब चाय का, फिर तो पापड़। डुगू तेरे को भी चाहिए पापड़ खाएगा? हाँ खा ले, ले मैं दू पापड़, दू ले तेरा, दे पापड़, बोल पापड़, बोल तो, बोल पापड़, कहाँ पे है पापड़? मतलब बहुत इमोशनल होकर देख रहा है, लेट खिलाते हैं तेरे को पापड़। और आज पूरे दिन बिजी रहने का बहुत बड़ा रीज़न था, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, वो ये था कि मेरा छोटा भाई है जो आज दुबई जा रहा था, तो उसकी अभी फ्लाइट है 8 बजे की, तो मैं फ़ोन घर पे भूल गया था इसलिए शूट नहीं कर पाया, और अभी मैं उससे वीडियो कॉल करने वाला हूँ। और मैंने उसको भाई को वीडियो कॉल कर रहा हूँ लेकिन उठा नहीं रहा है। था नहीं, एक बार वापस ट्राई किया जाएगा। लो वापस कॉल आ गया। काई की जगह भाई एयरपोर्ट ही है कि? हाँ। कितने बजे? 8 बजे है फ्लाइट। 8:10 पर है। 8:10 पर है कि? तो यार 2.5 घंटा हम थोड़ी पहुंचा दे दुबई, दुबई का मतलब सुबह मॉर्निंग में उल्लो टाइमिंग है, वाया उली? नहीं नाइट में। अच्छा नाइट में, तो आज तो बहुत जल्दी एयरपोर्ट की, परेशान हो गए बेटा बेटा। नहीं नहीं जल्दी हो रही है, अबे 3 बजे पहुंच चुके होते हैं, खाना खाना खाए 4 बजे का। हाँ हाँ, अब रवाना देख लो। और अच्छा सही जगह ही बैठे हो तुम, मतलब वेट कर रहे हो क्या, कर आप एंट्री कर रहे हैं? हाँ। फ्लाइट में फर्स्ट टाइम बैठ रहे हो ना? हाँ। चलो बहुत बढ़िया जर्नी रहे तारी, और पहुंचता ही फोन कर दिया ना? हां कर दियो। हां और तो बढ़िया, वो नर्वस तो दिख रहा है तू थोड़ा थोड़ा। हां बढ़िया, गरम बारे जा रहे हो राज जी, मतलब शक्ल उतर की भाई ये क्या कर रहा तो? हां पापा मम्मी परेशान है, तो दुबई में सेट हो जा, बिल्कुल जल्दी मिल पावा थारो। आज जी। हां चलो ठीक है, पहुंचता ही फोन कर दिया ना? ठीक। और खुशी गई हुई थी मौसी से मिलने के लिए, मौसी का ऑपरेशन करवाया था, तो मिल के आ गए आप? कैसी है तबीयत? ठीक है, अभी ऑपरेशन होने के बाद में तो एक ड्रिप वगैरह की उनकी तो रहती, ड्रिप चढ़ रही थी। हाँ
मतलब चट नहीं रही थी वो, चल रही है ना 4 दिन 5 दिन, तो वीकनेस तो आती है ओटी के बाहर आने के बाद, इंसान मतलब पूरा चेंज हो जाता है, मतलब खाना जाता नहीं है, पूरा लिक्विड से एनर्जी दी जाती है उसको टेबलेटों से लिक्विड से। लेकिन अभी ठीक है। ठीक है। और मैंने भी बालू भाई से बात कर ली थी, एयरपोर्ट पे बैठा है आराम से, और अभी उसकी फ्लाइट 8 बजे, मैंने वीडियो कॉल किया पहले तो उठाया नहीं, फिर उसने वापस किया, मैंने कहा भाई जल्दी अच्छे से सेट हो जाओ वहाँ पे, तो मैं और किसी जल्दी मिलने आएंगे दुबई। सही है ना। जब गाँव का अगर कोई छोरा अगर घर छोड़ के एक बार फर्स्ट टाइम अगर कहीं बाहर जाता है तो मतलब घर वाले इतना मतलब चिंतित होते हैं, इतना टेंशन में रहते हैं ना, मतलब उस चीज़ को यहाँ से फील कर सकते हैं आप रियल के अंदर। मतलब ये मेरे परिवार के अंदर ही है बालू, जो फर्स्ट टाइम मतलब इंडिया से बाहर जा रहा है और काम के लिए, मतलब काम करने के लिए जा रहा है, तो भाई इसको मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि भाई मतलब अपने घर वालों के लिए अपना मतलब लाइफ का बहुत ही कीमती समय मतलब भारत को छोड़ के दूसरी जगह कमाने के लिए जा रहा है, तो उससे बात करते रहेंगे और उससे जल्दी मिलने भी जाएंगे, प्लानिंग रहेगी। और वो सबसे इम्पोर्टेंट तो है वो जाते ही वहाँ पे उसको सारी चीज़ें उसको अच्छे से सूट हो जाए और अच्छे से उसका मतलब मन लग जाए वहाँ पे, तो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि सबसे पहले अगर आप घर से बाहर जाते हो तो रहने के अंदर मतलब इतनी प्रॉब्लम होती है ना, मतलब घर वालों को मतलब मिस करना एनी टाइम पे, और खाने की प्रॉपर मतलब सूटेबल नहीं हो पाता खाना भी, तो ब्लॉग को रखते हैं कंटिन्यू। ये मटके में से बीमारी नाइट के लिए नहीं, अभी पी लेंगे इसको, मतलब फ्रिज का पानी हम नहीं पीते हैं, मटके का शुद्ध देसी पानी, मटके का ठंडा ठंडा कोल्ड। तो ये सही है, तो मैं तो फ्रिज का पानी कभी पीती नहीं, और अब तो खास करने पे। और अभी टाइम है 9:52 और मैं वेट कर रहा हूँ कि बालू जल्दी से मतलब दुबई पहुँच जाए, और पहुँचते उससे एक बार वीडियो कॉल पर बात हो जाए, मतलब कि वो सही से पहुँच गया। और अभी खुशी कर रहे हैं दूध को मिक्स, तो दूध पिया जाएगा, और दूध के साथ क्या डाल रखा है, राबड़ी, हमारी फेवरेट जो की राबड़ी, मतलब खुशी आनंद लेने लग गई है। और दूध पी लेता हूँ मैं और वेट किया जाएगा, वरना तो मैं पी जाऊंगी पूरा। हाँ, वरना तो मतलब खाने पीने के मामले में तो शर्म वरम करने नहीं, बिल्कुल ही सही बात है, खाने पीने के मामले में तो कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। और मैंने स्पेशली एक ब्लॉग डाल भी रखा है, जिन्होंने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए हमारे चैनल पे, कि खाने के मामले में कभी भी शर्माने का नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने का। और हमारे ब्लॉग पे ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ कमेंट कीजिए, कमेंट बहुत कम आ रहे हैं फ्रेंड्स। तो चलो वेट किया जा रहा है कब तक पहुँचता है बालू, और कब तक उसका कॉल आता है, और टाइमिंग होते ही मैं सबसे पहले मैं खुद कॉल करूंगा और पता करूंगा कि वो सही से पहुंच गया या नहीं पहुंच गया।